खुशामदीद, मैं हूँ आपकी न्यूज एंकर नितिका और मैं नहीं सहती हूँ झूठ किसी का। यह है फेक और नॉट मीनिंग फोन, जो करता है दुनिया भर की फेक न्यूज को एक्सपोज, विच मीन्स इट्स बेटर देन ऑल अदर शोज। रूल्स तो आप जानते ही हैं, मैं आपको सुनाऊंगी 5 खबरें और आपको मुझे बताना है कि क्या ये खबर है फेक या नॉट फेक, और सारे जवाब सही गेस करने पे आपको मिलेंगे इनाम। तो चलिए खेलते हैं आज की ताजा खबरें। हाल ही में मुंबई के मनोरी गांव से आया एक वीडियो जिसमें मची हुई है अफरा तफरी। मनोरी वासियों ने कोविड के नाम पर चल रही मानव अंग चोरी के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा जा रहा है कि जब एक कोविड मरीज की बॉडी वापस आई तो उसमें से ऑर्गन्स मिसिंग थे। इसका मतलब है कि कोई जालिम से दिल ही नहीं, लोगों के अंग भी चुरा रहा है। काफी दुखद न्यूज है ये। तो बताइए, मुंबई के पास मनोरी में हुआ कोविड के नाम पर चल रहा मानव अंग चोरी के खिलाफ प्रदर्शन, फेक या नॉट फेक? मैं मनोरी वासियों को पूछना चाहूंगी कि क्या आपके गांव में चने के खेत हैं, क्योंकि चोरी तो वही होती है। सॉरी फॉर बैड जोक। इन प्रदर्शनकारियों को इंसाफ मिले ना मिले, इन्हें कोरोना की भेंट जरूर मिलेगी। आप चिपक चिपक के खड़े हैं जैसे चिप चिप बरसा पानी में रवीना और उनकी गीली पीली साड़ी। और दोस्तों, ये स्टोरी है बिल्कुल फेक। दरअसल मनोरी में कुछ लोगों को कोविड हुआ। जब बीएमसी कर्मचारी उन्हें क्वारंटाइन करने पहुंचे तो गांव वालों ने उनका विरोध किया। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को भी आना पड़ा। दर्शकों, आपसे मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग ऐसी वाहियात अफवाहें फैलाते हैं, वो चाहते हैं कि आप प्रिकॉशंस ना लें। तो प्लीज क्वारंटाइन को वैलेंटाइन समझिए और उसे अपने सीने से लगाइए, वरना जल्द ही सीने से लगाना पड़ेगा वेंटिलेटर। और क्या आप जानते हैं कि जिस फोन पे आपको ये अफवाह मिली, उसी फोन से आप हर एक न्यूज को फैक्ट चेक भी कर सकते हैं फ्रॉम ट्रस्टेड साइट्स। है ना अद्भुत बात, किसी ने सोचा नहीं होगा। तो थोड़ी मेहनत कर लीजिए, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है और दूध में अगर चॉकलेट मिला दे तो बॉन्ड मीठा होता है। हमें एक खबर सुनने मिली है कि नटवर लाल नाम का एक ठग भारतीय संसद को संसदों के समेत बेचाया, यानी पार्लियामेंट और एमपी दोनों फॉर सेल। ये तो काफी संसदीय खेस न्यूज निकली। या तो ये न्यूज फेक है या ये आदमी इतना शातिर है कि वो एक पोलर बेयर को भी ऐसे बेचने की क्षमता रखता है। तो क्या लगता है आपको, नटवर लाल नाम के ठग ने भारतीय संसद को उसके संसदों यानी एमपी के समेत बेच दिया, फेक या नॉट फेक? इसको सुनने के बाद मुझे बंटी और बबली के प्लॉट की याद आ गई, और उस प्लॉट की भी याद आ गई जो पापा जी ने खरीदा था नोएडा के बाहर। ना वो प्लॉट किसी काम का है और ना ये दुनियादारी। इसी खबर के साथ ये भी पता चलता है कि इसी नटवर लाल ने किसी जमाने में लोगों को ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन भी बेचा है। घर बेचने का इतना ही शौक है बेटा, तो ब्रोकर बन जाते ना। Anyway, ये स्टोरी है बिल्कुल नॉट फेक। विश्वास नहीं होता ना, नटवर लाल जिनका असली नाम है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, एक काफी जाने माने ठग हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मिथिका और मिथिलेश का कोई रिलेशन नहीं है। इस इंसान के बायो डाटा में 3 बड़े उद्योगपतियों का नाम है, टाटा, बिरला और अंबानी। नहीं, इन्होंने इनके यहाँ काम नहीं, स्काम यानी स्कैम किया है। समाज सेवा के नाम पे इन्होंने लाखों रुपए ऐंठ लिए, जिसका इस्तेमाल इन्होंने स्वयं सेवा के लिए किया। और फिर पकड़े जाने के बाद एक नहीं दो नहीं पूरे 8 बार इन्होंने पुलिस को दिया चकमा। सही कहा है किसी ने, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। दोस्तों, इंसानों के मुंह में बड़ी सारी चीजें होती है, जैसे कि हमारी जीभ, करोड़ों बैक्टीरिया और 32 दांत। इसलिए मुस्कुराने को लोग 32 दिखाना भी कहते हैं। ये तो साइंस है और साइंस कभी रॉन्ग नहीं हो सकती। की हो सकती है इसी दांत पे, इसी बात पे। हमें बताइए, इंसान के मुंह में 32 से ज्यादा दांत नहीं हो सकते, फेक या नॉट फेक? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। द ट्रूथ इज आउट देयर। क्या इस फेक न्यूज के जमाने में साइंस भी हमें धोखा दे सकती है, या कोई ऐसा है जो साइंस और हमारे रिश्ते के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है? उस इंसान को सीधा करने के लिए मुझे उससे 2 चपेड़े लगानी पड़ेंगी, क्योंकि दांतों के भूत बातों से नहीं मानते। दोस्तों, ये बात एकदम फेक है। इंसानों में 32 से ज्यादा दांत हो सकते हैं। इनफैक्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में छपा है
एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। इंडिया के विजय कुमार के पास है 37 दांत। विजय कुमार जरूर मुंबई शहर से होंगे क्योंकि इनके तो मुंह में भी ओवर क्राउडिंग हो रही है। इनके दांतों की बदौलत उनके डेंटिस्ट की आने वाली 7 पीढ़ियां कॉलेज की फीस आराम से भर पाएंगी। कुमार साहब कहते हैं कि उनकी जीप बार बार कटती है और उनके डेंटिस्ट के यहाँ उनकी जेब बार बार कटती है और हम करेंगे इस खबर को कट। चलते हैं दुनिया की फैक्ट्री चाइना की ओर। ये देश फेमस है तरह तरह के खाने, फोन्स और अपनी लंबी दीवार के लिए। दीवार फिल्म नहीं, मैं बात कर रही हूँ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। मगर शायद इस देश के सबसे प्रसिद्ध एक्सपोर्ट है जाने माने एक्टर ब्रूस ली। सूत्रों के अनुसार ब्रूस ली इतने तेज थे कि साधारण कैमरास उनकी मूवमेंट को पकड़ ही नहीं पाते थे। और सुनने में ये भी आया है कि इस मार्शल आर्ट के गुरु ने एक जमाने में चाचा डांस के मंच पर भी धूम मचा दी थी। तो बताइए, ब्रूस ली चाचा डांस चैंपियन थे, फेक या नॉट फेक? अगर ये सच है तो ब्रूस ली साहब को हॉलीवुड की जगह बॉलीवुड आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ तो हीरो मारपीट और नाच दोनों कर लेते हैं और कभी कभी तो दोनों साथ में भी कर लेते हैं। और दर्शकों, चाचा डांस के स्टेप्स हैं 1-2 चाचाचा, 3-4 चाचाचा। ये सिर्फ डांस लेसन भी नहीं, गणित का लेसन भी है। वैसे चाचा डांस मेरे बनारस वाले अंकल भी करते हैं और मेरी आंटी चाची डांस करती हैं। और ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। जी हाँ, ब्रूस ली जिन्होंने अपनी मार्शल आर्ट्स की कुशलता से पूरी दुनिया को दीवाना बना दिया था, एक काफी लचीले डांसर भी थे। इन्होंने 1958 की हांगकांग चाचा चैंपियनशिप में सबको धूल चटा दी थी। वाओ, कितने मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति थे ब्रूस साहब। कुछ दिनों से अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि काफी नागरिक मास्क पहनने से इनकार कर रहे हैं। इन खबरों को देखकर लोग खुश हो रहे हैं कि कम से कम हम तो इतने मंदबुद्धि नहीं है। लेकिन दोस्तों, ज्यादा चने के झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये अगली कहानी सच निकली तो आपका ये भ्रम टूट जाएगा। एक खबर आ रही है कि पुणे की एंटी हेलमेट कंपल्शन एक्शन कमेटी AHCAC नामक संस्था ने एक हेलमेट का किया अंतिम संस्कार। इन लोगों का मानना है कि हेलमेट पहनना अनिवार्य यानी कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। तो बताइए दोस्तों, हेलमेट पहनने के विरोध में किया लोगों ने हेलमेट का अंतिम संस्कार, फेक या नॉट फेक? देखिए, हेलमेट का अंतिम संस्कार बहुत जरूरी है क्योंकि इससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है और उसका पुनर्जन्म भी होता है एक बाइक के रूप में। आशा करती हूँ कि ये बाइक किसी AHCAC वाले के यहाँ ना पैदा हो, वरना अंतिम संस्कार की घड़ी फिर आ जाएगी। लेकिन मेरा दिल अब भी नहीं मानता कि कोई इतना बददिमाग हो सकता है। आखिर कौन कहेगा कि भाई सेफ्टी नहीं चाहिए, मुझे तो ठंडी हवा खानी है। और ये न्यूज है बिल्कुल नॉट फेक। अब मैं क्या ही बोलूं दोस्तों, मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। एक्चुअली जो शब्द निकलना चाह रहे हैं वो इस प्रोग्राम के लिए सही नहीं होंगे। इस एसोसिएशन का कहना है कि हम तो सिर्फ 10-20 के स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं, उसमें हेलमेट की क्या जरूरत? भाई साहब, माना कि आपका दिमाग खाली है, पर उससे भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है ना। प्लीज हेलमेट ऑन कीजिए और मुंह ऑफ कीजिए। बस अब मैं इससे ज्यादा बेवकूफी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे ना एसिडिटी हो जाती है। तो मेरी अंतड़ियों के लिए अलविदा दर्शकों, कल फिर मिलते हैं नई फेक न्यूज के साथ। अगर आपको 5 सवाल के जवाब सही मिले तो आप प्राइज जीत गए हो। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पर बटन दबाओ।